हेलो साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करता हूं सीएसएस पार्ट 5 वीडियो में। और कल जहां से हमने खत्म किया था उसके बाद आज देखते हैं। तो कल हमने बॉर्डर के स्टाइल को देखा था कि बॉर्डर के स्टाइल में हमने डॉटेड लिखा था तो जो डॉट डॉट करके स्टाइल बन गया था। एक बार और इस रिजल्ट को हम देखते हैं। अब देख सकते हैं इस तरीके का रिजल्ट हमें कल शो कर रहा था। तो यहाँ पे हम जो डॉटेड लगाए हैं, यहाँ पे जो कोड में हम बॉर्डर स्टाइल में डॉटेड लगाए हैं, इसके साथ हमारे पास 3-4 प्रॉपर्टी और होती हैं। डॉटेड की जगह एक प्रॉपर्टी हमारे पास डबल होती है। यहाँ मैं डबल लिख के दिखाता हूँ क्या होता है। मैंने लिखा डबल और इसको सेव करते हैं और चलते हैं देखते हैं रिजल्ट को। तो आप देख सकते हैं कि जो ये लाइन है डबल लाइन में होके ये बॉर्डर बन गया है। अगला जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इसी में वो है सॉलिड। देखते हैं क्या होता है सॉलिड से। सॉलिड तो आप देख सकते हैं कि एक मोटी लाइन बन के ये जो बॉर्डर है आगे एक ही में दोनों के बराबर एक ही सेम है, ये सॉलिड है। अब इसके बाद जो हमारे पास एक अगला है उसका नाम है इनसेट। देखते हैं इनसेट कैसे काम करता है। मैंने यहाँ पे इनसेट लिखा, कोड को सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये कॉर्नर है इसका एक थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा है और यहाँ पे कलर कुछ मतलब ये एक्सक्लूसिव दिख रहा है। और नीचे का जो थोड़ा सा ये वाला कलर है ये लाइट है और इधर का जो ये है ये थोड़ा डार्क है। इसके बाद एक और है हमारे पास इसमें आउटसेट, उसको देखते हैं वो कैसे काम करता है। इनसेट आउटसेट अभी चेंजेस देखिएगा इसमें क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो चीजें इनसेट में इधर थी वो आउटसेट में इधर हो गई हैं। मतलब जो कलर ये जो कलर है इस साइड में जैसा दिख रहा था आउटसेट लगाने के बाद इस साइड में वो आ गया। तो यहाँ पे ये 3-4 तो डबल सॉलिड इनसेट डॉटेड आउटसेट प्रॉपर्टी है जो कि वेब एप्लीकेशन बनाने में बहुत ही काम आती है। अब यहाँ पे हम अगर चाहेंगे तो इतना लंबा कोड लिखने की जरूरत भी नहीं है। मैं जैसे कि अगर मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिखा इसको मैं पूरा कोड को हटाता हूँ। ये मैं सिंपली लिखता हूँ बॉर्डर 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 3 पिक्सल कर दो। मैंने लिखा बॉर्डर 3 पिक्सल और उसके बाद कुछ नहीं सिर्फ सिंपली रेड लिखा। और इसके बाद मैं लिख देता हूँ डबल रेड के बाद मैं लिख देता हूँ डबल। और कोड को सेव करते हैं और रिजल्ट को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी हमारी एकदम अच्छे तरीके से काम कर रही है। तो जो हमने 3-4 लाइन लिखा था ये आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे जो हमारे बॉर्डर का कलर है इसको तुम रेड कर दो, ये हमने डबल किस लिए लिखा है, ये इसे समझ गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप कोडिंग करेंगे तो कम कोडिंग में ही ज़्यादा फंक्शन को आप यूज कर पाएंगे। तो आपकी जो वेबसाइट बनेगी वेब एप्लीकेशन बनेगा वो फास्ट काम करेगा। तो ये CSS का बेनिफिट है। तो यहाँ पे अब जो हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे वो है मार्जिन। वो है मार्जिन, देखते हैं मार्जिन किस तरीके से काम करता है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे कि मैं यहां पे बताता हूं मार्जिन। आप सभी जानते हैं कि मार्जिन में बेसिकली टॉप राइट बॉटम लेफ्ट यही आता है।
तो सीधे अगर मैं जैसे मार्जिन लिखता हूँ, मार्जिन लिख के अगर मैं इसमें वैल्यू दूंगा अगर 20 पिक्सल, तो ये टॉप में काम करेगा। अगर इसके बाद मैं लिखता हूँ मार्जिन और फिर राइट लिखूंगा, मार्जिन टॉप लिखूंगा और फिर यहाँ पे मतलब लिखता हूँ मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, तो टॉप का 20 पिक्सल हो जाएगा। इस तरीके से राइट लिखूंगा तो राइट का 20 पिक्सल हो जाएगा, मार्जिन बॉटम लिखूंगा तो बॉटम का हो जाएगा, मार्जिन लेफ्ट लिखूंगा तो लेफ्ट का जितना पिक्सल हम देंगे वो हो जाएगा। तो एक बार चेक करते हैं कैसे काम करता है ये। तो अभी मैं इसको हटाता हूं, बॉडी भी हट गया, बॉडी तो यहां पे मैंने जो पी लिखा है यहां पे बॉर्डर 3 पिक्सल, रेड डबल, इसी के बाद मैं लिख देता हूँ सिंपली यहाँ पे बस डबल के बाद लिख देता हूँ पैडिंग। पैडिंग एक दिन इससे पहले के पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि पैडिंग क्या होता है, अभी आप रिजल्ट देखेंगे तो समझ पाएंगे। मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग, पैडिंग मैं लिखता हूँ 50 पिक्सल, 50 पिक्सल और यहीं पे मैं लिखता हूं पैडिंग के बाद मार्जिन, मार्जिन और मार्जिन में हम देते हैं 100 पिक्सल, मार्जिन हम देते हैं 100 पिक्सल। यहाँ पे हम बॉर्डर में 3 पिक्सल, रेड डबल और पैडिंग 50 पिक्सल और मार्जिन 100 पिक्सल, देखते हैं होता क्या है। सेव करते हैं इसको और चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ शो हो रहा है, किस तरीके से शो हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे 100 पिक्सल ये ऊपर जितना भी ये गैप छोड़ा है, ये है हमारा जितना भी ऊपर इसने गैप छोड़ा है, ये हमारा बेसिकली 100 पिक्सल ये मार्जिन हो गया पूरा साइड चारों, जैसे कि यहाँ पे टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम, ये तीनों मतलब चारों ओर। सिर्फ मैंने सिंपली यहाँ पे कोड में लिखा है मार्जिन 100 पिक्सल, यहाँ पे मैंने इसको ये नहीं बताया है कि तुम टॉप में अप्लाई करो कि राइट में अप्लाई करो कि लेफ्ट में अप्लाई करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे बताया है। तो इसी की वजह से ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, इसमें यहाँ पे हर जगह अप्लाई हो रहा है। अब चेंजेस देख सकते हैं, सिर्फ ये टॉप में अप्लाई हो रहा है, लेफ्ट राइट और बॉटम खत्म हो गया। मैंने यहाँ पे मार्जिन में अगर टॉप लगा दिया तो सिर्फ टॉप में अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से आप लेफ्ट लिखेंगे तो सिर्फ लेफ्ट में अप्लाई होगा, राइट लिखेंगे राइट में अप्लाई होगा। दिखाते हैं राइट, कंट्रोल से आप देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है वो सिर्फ राइट साइड में अप्लाई हो रहा है, और ये जो ऊपर छोड़ रहा है ये आप देख सकते हैं, ये यहां से लेके जो यहाँ की डिस्टेंस है ये है हमारी पैडिंग। ये क्या है? पैडिंग। अब मैं इसके वैल्यू को चेंज करता हूं, मैं अगर लिखता हूं यहाँ पे 30 पिक्सल, सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 30 हो गया। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे 70 पिक्सल, 70 पिक्सल, 70 पिक्सल, तो आप देख सकते हैं कि 70 पिक्सल हो गया। तो यहाँ पे हमने मार्जिन को देखा। अब मार्जिन में आप चाहें तो
बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप सिर्फ अगर 50 पिक्सल लिखते हैं, मैं यहाँ पे राइट को हटाता हूँ, यहाँ पे मार्जिन में जैसे कि आपने 100 पिक्सल लिखा तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर जगह अप्लाई होगा। अगर आप वहाँ पे मार्जिन में 50 पिक्सल और 20 पिक्सल लिखते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप मार्जिन में 50 पिक्सल और 20 पिक्सल लिखते हैं और ये यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कराते हैं कि तुम कहाँ लगाओ, बॉटम में लगाओ, टॉप में लगाओ, राइट में लगाओ, तो ऑटोमेटिक सीएसएस मार्जिन में अगर आपने लिखा 50 पिक्सल और 20 पिक्सल, दो तो यहाँ पे वैल्यू दे दिया और कुछ नहीं लिखा, तो टॉप बॉटम और राइट लेफ्ट में लगाएगा। इसी तरीके से अगर आप मार्जिन में लिखते हैं 50 पिक्सल, 20 पिक्सल और 50 पिक्सल, तो ये जो यहाँ पे अप्लाई करेगा टॉप में, राइट में, लेफ्ट में और बॉटम में। और उसके बाद यहाँ पे अगर मार्जिन में 50 पिक्सल, 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, 20 पिक्सल लिखेंगे तो टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, और इससे पहले जब 50 पिक्सल, 20 पिक्सल, 50 पिक्सल लिखेंगे तो टॉप राइट और लेफ्ट बॉटम में लगेगा। तो ये है मार्जिन की कुछ प्रॉपर्टी। और यहाँ पे इसके बाद जो हम कल देखेंगे उसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखेंगे, जैसे कि टेक्स्ट के अलाइन को हम लोग लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई होता है, उसके बाद हमारे टेक्स्ट के ट्रांसफॉर्म कुछ होते हैं उसमें भी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट का डेकोरेशन कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम कल वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो भी थ्योरी पार्ट है वहाँ पे हम डाल देते हैं, तो वहाँ से जाके आप कोड को भी कॉपी कर सकते हैं। और कमेंट करके बताइए कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। अभी के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।